नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 17 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर रजिस्ट्रेशन की बढ़ी आखिरी तारीख। अवधेश नारायण सिंह ने खाली हुए 24 विधान पार्षदों की सीट को लेकर जारी किया बयान। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन हुई जारी। आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर रजिस्ट्रेशन की बढ़ी आखिरी तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना जारी की है। बिहार बोर्ड ने नियमित और प्राइवेट श्रेणी के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख एक बार और बढ़ा दी है, जिसके तहत साल 2022 में मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार अब 25 जुलाई 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले स्कूल को 9 से 15 जुलाई तक ऐसे छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया था, जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए और secondary.biharboardonline.com 9वीं के छात्रों के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए जारी किया गया है। पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए ये पहचान पत्र होंगे मान्य। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य चुनाव आयोग की तरफ से मतदान के लिए 16 पहचान पत्रों को मान्यता दे दी गई है, जिसके तहत जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राज्य केंद्र सरकार के कर्मियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे जमीन का केवाला, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों एवं विधायकों को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट और शैक्षणिक संस्थान से जुड़ी फोटोयुक्त पहचान पत्र को मान्यता दी गई है। राज्यपाल के बदले अब मुख्यमंत्री होंगे इस नई यूनिवर्सिटी के चांसलर। बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अधीन आ गए हैं, जिसके तहत बिहार की यह पहली अपनी यूनिवर्सिटी होने वाली है जिसके चांसलर राज्यपाल नहीं होंगे। विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कानून बन जाने के बाद विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जाएगा। उसके बाद वीसी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बहाली होगी। उम्मीद है कि अगले सत्र 2022-23 में अभियंत्रण विश्वविद्यालय पूरी तरह से काम करने लगेगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन जी का जन्म 18 फरवरी सन 1916 को पटना सिटी के बदरघाट के पास हुआ था। वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मात्र लगभग 46 साल की उम्र में 12 सितंबर 1961 में हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। नलिन जी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के निष्णांत विद्वान थे, साथ ही फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। नलिन जी ने हिंदी आलोचना का नया मापदंड निर्मित किया। अपने प्रखर आलोचनात्मक लेखों, साहित्यिक टिप्पणियों और पुस्तक समीक्षाओं के जरिए वो हिंदी संसार को नए ढंग से आंदोलित करने में सफल हुए थे। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो इन जिलों में कई जगहों पर आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने कहा है कि लोग इन दिनों अलर्ट रहें। पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के इन जिलों के कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में मौसम सामान्य होगा। वहीं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में मौसम सामान्य रहेगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में अधिकतर जगहों पर तेज बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई जाएगा। अवधेश नारायण सिंह ने खाली हुए 24 विधान पार्षदों की सीट को लेकर दिया बयान। बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों का कार्यकाल बीते दिन से समाप्त हो गया है। हालांकि फिलहाल यह सीटें अभी खाली ही रहने वाली है। जानकारों की माने तो लोकल बॉडी से चुनकर आने वाले विधान पार्षदों को चुनावी प्रक्रिया में अभी लंबा समय लग सकता है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद ही लोकल बॉडी से चुने जाने वाले 24 सीटों को भरा जाना संभव हो सकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधान परिषद में 24 सदस्यों का चुनाव लोकल बॉडी से होता है और उनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि पंचायत चुनाव सरकार जल्द से जल्द करवाएगी, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने से अधिक समय लोकल बॉडी से चुनकर आने वाले इन 24 सीटों के चुनाव में लग सकता है।
बिहार में बनेगी तेंदुलकर की मंदिर। सचिन तेंदुलकर के फैन देश से लेकर विदेश तक मौजूद है, जिन्होंने समय समय पर तेंदुलकर को हैरान कर दिया है। वहीं सबके बीच तेंदुलकर का एक अनोखा फैन भी है, जिसको तेंदुलकर से लेकर हर कोई पहचानता है। वो है बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुधीर कुमार, जिन्हें तेंदुलकर के हर एक मैच में देखा गया है। वहीं अब इस फैन की दीवानगी पूरी दुनिया देखने वाली है, क्योंकि जल्द ही सुधीर कुमार शहर में एक बहुत बड़ा तेंदुलकर का मंदिर बनवाने वाले हैं। इसके लिए सुधीर अपने भगवान सचिन तेंदुलकर को बिहार बुलाएंगे, जिसके तहत इस मंदिर निर्माण को लेकर अब सुधीर इसकी रूपरेखा को तैयार करने में जुट गए हैं। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जब अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के मंदिर बन सकते हैं, तो सचिन तेंदुलकर के मंदिर का निर्माण क्यों नहीं। अब घर बैठे बैठे पाए चिकित्सीय परामर्श। बिहारवासी अब घर बैठे बैठे चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। इसको लेकर हाल ही में बिहार सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी स्वस्थ भारत की शुरुआत की है, जिसको आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप निर्धारित समय पर चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर वहां से दवाएं प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह सेवा मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। बिहार में अब बनेगा अलग अलग खेल विश्वविद्यालय। बिहार में खेल को बढ़ावा देने की मंशा से जल्द ही अलग खेल विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद इसे और बेहतर बनाने को लेकर काम किया जा रहा है, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है, जिसके तहत 26 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में खेल विश्वविद्यालय से जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है, जिसके बाद अगर इस विधेयक को पास किया गया तो बिहार की गिनती उन गिने चुने राज्यों में होने लगेगी जहां अलग से खेल विश्वविद्यालय है। जानकारों की माने तो विधानसभा से विधेयक पास होते ही खेल विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। राजगीर में बन रही खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को देखते हुए उसके पास ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना जताई जा रही है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन हुई जारी। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसके तहत अब पंचायत चुनाव के दौरान सभी 6 पदों के उम्मीदवारों द्वारा रैली और जनसभा का आयोजन निर्धारित स्थल पर ही होगा। यानी कि अब कोई भी उम्मीदवार अपने मन मुताबिक कहीं भी जनसभा या रैली नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा कार्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पंचायत चुनाव के दौरान रैली और सभा के आयोजन के लिए पहले ही सभास्थल को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोरोना के माहौल को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि रैली और जनसभा के आयोजन को लेकर जिला स्तरीय स्वास्थ्य पदाधिकारी की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। सम्राट चौधरी ने की गंगाधाम बाबाधाम रेल प्रोजेक्ट की पहल। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गंगाधाम बाबाधाम रेल प्रोजेक्ट को गति देने की पहल की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इस योजना को गति देने का आश्वासन दिया है, जिसको लेकर सम्राट चौधरी ने भी खुशी जाहिर की और सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भारत सरकार के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बड़ी रेल लाइन को बनाने की घोषणा साल 2008-09 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने की थी, जिसके बाद बांका बरहट और बांका से बथनी रोड 147 किलोमीटर लंबी बड़ी रेल लाइन की खबर सुनने के बाद लोग काफी उत्साहित हैं। बिहार से अजमेर शरीफ के लिए होगा ट्रेनों का परिचालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अजमेर शरीफ जाने की इच्छा रखने वालों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत रेलवे जल्द ही सीमांचल से अजमेर शरीफ के लिए एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से किशनगंज, बरौनी, हाजीपुर और छपरा सहित बिहार के कई जिलों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए किशनगंज अजमेर जंक्शन किशनगंज त्रै साप्ताहिक विशेष ट्रेन किशनगंज से 23 जुलाई को अजमेर 26 जुलाई को अगली सूचना तक चलाई जाएगी। ज्ञात हो यह ट्रेन पूर्व से चल रही गरीब नवाज एक्सप्रेस किशनगंज अजमेर किशनगंज गाड़ी के मार्ग पर समय पर चलेगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में निचली अदालत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजरे हुए काफी समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक उनके गुजर जाने की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है, जिसके तहत अब इस मामले में निचली अदालत के फैसले को वरीय अधिवक्ता सुधीर ओझा ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में उन्होंने अभिनेता सलमान खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों के अलावा बिहार सरकार और सीबीआई को भी शामिल किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुजफ्फरपुर कोर्ट में सलमान खान, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियावाल, आदित्य चोपड़ा, दिनेश विजयन, भूषण कुमार, करण जौहर जैसे फिल्म निर्देशक और निर्माताओं पर साजिश का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने याचिका दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब इस फैसले को चुनौती दी गई है।
बिहार में कोविड 19 के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 90 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 781 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अरवल में 3, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 6, भोजपुर में 1, दरभंगा में 3, ईस्ट चंपारण में 8, गया में 3, गोपालगंज में 2, कैमूर में 1, कटिहार में 2, खगड़िया में 5, किशनगंज में 2, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 2, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 2, नवादा में 5, पटना में 8, रोहतास में 7, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 5, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 1, सुपौल में 3, वैशाली में 2, वेस्ट चंपारण में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 133,186 सैंपल की जाँच की गई है। वहीं 104 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। राजद ने नियुक्त किए प्रमंडलवार प्रभारी। राजद ने 18-19 जुलाई को बढ़ती महंगाई को लेकर राज्य भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। वहीं सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रमंडलवार प्रभारी अधिसूचित किया गया है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देशानुसार सभी प्रभारी को अधिसूचित किया गया है। इस बाबत पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई की वजह से आम लोगों में भारी आक्रोश है। इस महंगाई के खिलाफ 18 जुलाई को सभी प्रखंड मुख्यालय और 19 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर, यह वाक्या बिहार के बोधगया जिले का है। बोधगया सराजपुर के रहने वाले विकास और नवादा के रजौली गांव की रहने वाली पूनम विष्णुपद मंदिर के पास शादी करने जा रहे थे। दोनों को अब तक कोरोना का टीका नहीं लगाया गया था। रास्ते में कोरोना टीका को लेकर किसी ने उन्हें टोक दिया, जिसके बाद क्या था, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन मंडप के बजाय वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए और कोरोना का टीका लगवाया। नवविवाहित जोड़े को टीका लगवाते देख लोगों ने तालियों से दोनों का स्वागत किया। जहां एक तरफ वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ नवविवाहित जोड़े के इस कदम की सराहना दूर दूर तक हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया। बिहार में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। जहां एनडीए के बीच ही इस मुद्दे पर दो राय है, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर लोजपा के चिराग पासवान ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन जमुई से शुरू किए गए आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा कि जनसंख्या नियंत्रण नीति के बारे में वो समय पर बात करेंगे, अभी वो इसका अध्ययन कर रहे हैं, वक्त आने पर इस बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही अपनी राजनीतिक गतिविधि को लेकर उन्होंने कहा कि राजद के साथ जाने का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, समय आने पर ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा। अभी सिर्फ उनका ध्यान आशीर्वाद यात्रा पर ही केंद्रित है, इस यात्रा को सफल बनाने में हमारी मदद करें। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अफसरशाही की बात पर दिया जोर। सत्ताधारी जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार दौरे पर है, जहां उन्होंने अपने पहले दौरे के प्रवास का कार्यक्रम खत्म कर लिया है, जिसके तहत कुशवाहा ने बगहा, बेतिया, मोतिहारी समेत 4 जिलों का दौरा किया और ग्राउंड रियलिटी भी चेक की, जिसके तहत उन्होंने सारी स्थिति को पार्टी और सरकार दोनों के लिए ही चिंताजनक बताया है। नीतीश कुमार के प्रति लोगों के मन में विश्वास है, पर स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकारियों के प्रति बड़ी नाराजगी है। कई जगहों पर लोगों ने स्थानीय अधिकारियों की शिकायत की है, लोग के शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे ग्रामीण इलाकों में भी पार्टी के नेताओं की भूमिका सुनिश्चित हो सके। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव का फिर किया घेराव। पूर्व मंत्री नीरज कुमार इन दिनों अपने सवालों के माध्यम से हर दिन लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए 11वें सवाल के तहत लालूवाद का मुद्दा उठाकर लालू राज पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि लालूवाद के कारण ही बिहार को मान नहीं हमेशा से अपमान मिला है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन के लिए देश दुनिया में लगातार अवार्ड मिला है, बिहार का सम्मान बढ़ा है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को जो जो अवार्ड मिले हैं उसकी एक सूची भी जारी की है। साथ ही कहा है कि यह सम्मान बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बदलाव के बयार में मुख्यमंत्री के साथ खड़े 12 करोड़ बिहारियों का सम्मान है। जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ की सूची हुई तैयार। जदयू पंचायती राज प्रकोष्ठ की तरफ से 41 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची को प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विधान पार्षद राधा चरण साह की पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी की गई। वहीं सूची जारी होने के साथ ही पार्टी के प्रदेश महासचिव शक्ति कुमार शोला ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा सूबे के गांव-गांव तक जनहित की योजना चलाई जा रही है, पंचायत स्तर तक इन योजनाओं का कार्यान्वयन हो और लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे। पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों द्वारा इसकी समुचित देखरेख की जाएगी, जिसके तहत उमाशंकर कुशवाहा, राजू प्रसाद मेहता, सुधा देवी, मुकेश कुमार सिंह, अमित कुमार वर्मा, चंद्रशेखर सिंह समेत कई को सूची में शामिल किया गया है।
आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में आईसीसी T20 विश्व कप खेला जाना है। लंबे अरसे बाद भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में नजर आने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और पाकिस्तान को सुपर 12 के ग्रुप 2 में साथ रखा है। सुपर 12 में दो ग्रुप है जिसमें 6-6 टीमों को रखा गया है। ग्रुप 2 में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान ग्रुप ए की रनर अप, ग्रुप बी की चैंपियन टीम होगी। वहीं ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज ग्रुप ए की रनर अप, ग्रुप बी की विनर टीम होगी। ग्रुप ए में श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड और निम्बिया की टीम है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी और ओमान है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। निजाम खान को 17 जुलाई 1489 में सिकंदर शाह लोदी द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान आज के दिन घोषित किया गया था। भारतीय यात्री जहाज 1947 में रामदास मुंबई के पास तूफान में फंसकर आज के दिन डूबा था। देश में महिलाओं को 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत किसी भी तरह की नागरिक सेवाओं में पात्र घोषित आज के दिन किया गया था। धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 का पहला टुकड़ा 1994 में बृहस्पति से आज के दिन टकराया था। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी बेगम आबिदा अहमद का जन्म 1923 में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता कानन देवी का निधन 17 जुलाई 1992 को आज के दिन हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर आईजी पटेल का निधन 17 जुलाई 2005 को आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,350 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,350 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,700 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.71 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.26 रुपए प्रति लीटर था। व्हाट्सएप ने 20 लाख से ज्यादा यूजर को किया बैन। व्हाट्सएप ने भारत के लोगों के 20 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया है। यह रिपोर्ट नए आईटी रूल्स लागू होने के बाद जारी की गई है। बता दें कि नए रूल के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट जारी करनी होगी। अपनी रिपोर्ट में फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप ने खुलासा किया है कि उसने 15 मई 2021 से 15 जून 2021 के बीच भारत में कुल मिलाकर 2 मिलियन व्हाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। व्हाट्सएप ने खुलासा किया है कि इनमें से 95% से अधिक प्रतिबंध ऑटोमेटेड मैसेज, बल्क मैसेजिंग या स्पैम मैसेज के अनऑथराइज्ड उपयोग करने वाले लोगों पर लगाए गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है हरेंद्र कुमार, संतोष कुमार, राकेश कुमार, हरि नारायण पासवान, रोशन कुमार, टुनटुन यादव, रंजीत मेहता, श्रवण कुमार, रवि कुमार गुप्ता, सुभाष कुमार, विजय घायल, अंकित कुमार, रजा जी, सौरभ कुमार, जाकिर शाह, वसीम अकरम, श्याम बाबू। इसके अलावा हमारी टीम को अभी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।